आज की वीडियो में आई लेट यू नो कि कैसे आप इजीली ग्लास स्किन अचीव कर पाओगे इन 7 डेज, दैट टू विद होममेड DIY। तो सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे यूजिंग एनी जेंटल क्लेंजर। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ बायोडर्मा का फेस वॉश, विच इज बेस्ट सूटेबल फॉर माई स्किन। फेस को क्लीन करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो दैट हमारे फेस पे जो भी पोर्स है वो क्लीन हो जाए, एंड उसके बाद जो हम प्रोडक्ट्स लगाएं हमारी स्किन में वो हमारे स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट होके हमें बेस्ट रिजल्ट दे सके। ये फॉलो ना करके अगर हम कुछ भी अपने फेस पे लगाएंगे तो उसके बेनिफिट हमारे स्किन को नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो हमारे स्किन के अंदर तक जा ही नहीं रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सफोलिएट, और इस स्टेप को हमें वीक में सिर्फ एक ही बार करना है। इससे ज्यादा अगर आप करते हो तो ओवर एक्सफोलिएशन की वजह से आपको ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह हम अपने घर में डीप क्लीनिंग करते हैं, वैसे ही हमें अपनी बॉडी एंड स्किन पे भी करना चाहिए, स्पेशली इन समर सीजन। समर्स में हमें बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो हमारे जो पोर्स हैं वो स्वेट, डर्ट एंड बैक्टीरिया से क्लॉग्ड हो जाते हैं। इन सभी चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें जरूर से एक्सफोलिएशन करना चाहिए वीक में एक बार। फॉर एक्सफोलिएशन आप मेरे जैसे ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, या फिर कोई और केमिकल एक्सफोलिएटर भी यूज कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं यूज करना है तो आप DIY स्क्रब भी यूज कर सकते हो, बट मैं वो आपको रेकमेंड करूंगी कि मंथ में सिर्फ एक ही बार करना, और जब भी आप उसको अपने फेस पे लगाओ तो उसको बहुत ही जेंटली रब करना, बिकॉज वो हमारी स्किन के लिए हार्श भी हो सकता है। नेक्स्ट हम करेंगे स्टीमिंग, ताकि हमारे जो पोर्स है वो थोड़े ओपन अप हो सके, और उसके बाद जो हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे वो हमारी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो सके। इसके लिए अगर आपके पास स्टीमर है तो आप यूज कर सकते हो, मैं कुछ स्टीमर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो मेरी टेक्निक। इसमें आपको पानी को गर्म करना है एंड क्लॉथ को उसमें डिप करके अपने फेस पे आप लगा सकते हो, इससे भी आपको सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे, बट ये आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुली करना है। इसको हम सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही फॉलो करेंगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हम अप्लाई करेंगे फेस पैक। इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो है कॉफी, बेसन, हनी, एंड उसी में मैंने ऐड किया है रॉ मिल्क। आप रॉ मिल्क की जगह कोई और इंग्रेडिएंट ऐड कर सकते हो, लाइक कर्ड, रोज वाटर या फिर कोई भी टोनर। ये पैक इतना ज्यादा इफेक्टिव है ना कि आपको एक ही रिजल्ट में इसका इफेक्ट पता चल जाएगा, बट इस फेस पैक को आपको अल्टरनेटिव डेज यूज करना है फॉर 1 वीक, और देखना आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। 5 से 10 मिनट को रखने के बाद आपको नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है। फेस पैक के बाद हम प्रिपेयर करेंगे फेशियल जेल, जिससे आपकी स्किन एकदम ग्लास टाइप हो जाएगी। इसके लिए आपको इक्वल क्वांटिटी में एलोवेरा एंड ग्लिसरीन को ऐड करना है, और आप चाहो तो विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके अपने फेस पे इवनली अप्लाई करना है। जिस भी दिन आप फेस पैक लगा रहे हो उसके बाद इस स्टेप को फॉलो करना मैंडेटरी है। इसको यूज करने से आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगी। 5 से 10 मिनट रखने के बाद आप अच्छे से इसको अपने फेस में मसाज कर लो, सो दैट ये हमारी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। इसके इफेक्टिवनेस को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हम यूज करेंगे LED फेस मसाजर। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहो तो ये टूल यूज कर सकते हो या फिर आप अपने फिंगर से भी मसाज कर सकते हो, बट मैं इसी टूल को यूज करूंगी बिकॉज इसके रिजल्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है इफ यू यूज इट कंसिस्टेंटली। इसमें 3 डिफरेंट LEDs का ऑप्शन है, और उसी के साथ में इसमें हीटिंग एंड सोनिक वाइब्रेशन भी है। जैसे ही आप इसको अपने फेस पे टच करोगे तो इसका इफेक्टिवनेस है ना वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसमें रेड LED है वो है कोलेजन प्रोडक्शन के लिए एंड हैज एंटी-एजिंग प्रॉपर्टीज। ग्रीन LED है फॉर डार्क स्पॉट्स एंड ब्लू इज फॉर ब्लेमिशेस एंड पिंपल्स। तो आपको एक ही प्रोडक्ट में बहुत ही सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो मैं आपको जरूर से रिकमेंड करूंगी कि आप इस प्रोडक्ट को तो ले ही लो। फॉर द लास्ट स्टेप हम यूज करेंगे सनस्क्रीन। अगर आप सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आपकी स्किन प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी, और इससे पहले जो हमने स्टेप्स किया है वो भी वेस्ट हो जाएंगे, तो सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। लास्टली प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।